हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अदर चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ साइंस, दैट इज चैप्टर 9, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 9। चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। लेट अस स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। देयर आर many things around us. All these things occupy space, possess mass and are made up of matter. Children, as you know, हमारे आसपास हमारे चारों ओर many things हैं. ये सभी things space occupy करती हैं और इनका mass भी होता है, इनका weight भी होता है. ये सभी बनी होती हैं matter से. Now, what is matter? Matter है क्या? Matter is anything that occupy space and has mass. Matter is anything. Matter कुछ भी हो सकता है. Matter कोई substance भी हो सकता है, item या object. सभी substances, सभी items, सभी objects matter हैं जो space occupy करते हैं और जिनका mass है उसे कहा जाता है matter. So matter is anything. Matter includes all substances, आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस. मैटर में इंक्लूड किया जाता है ऑल सब्सटेंसेस को, ऑल आइटम्स को, ऑल ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो सॉलिड हों, लिक्विड हों या गैस फॉर्म में हों. लाइक टेबल, चेयर, बुक, चॉक, मिल्क, वाटर, एयर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका मास भी होता है, चाहे कम हो या अधिक. सम मैटर लाइक अ ट्री और बेंच इज विजिबल, वाइल सम मैटर लाइक एयर और बैक्टीरिया इज इनविजिबल. कुछ मैटर जो कि विजिबल होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, लाइक ट्री और बेंच, जबकि कुछ मैटर जो कि इनविजिबल होते हैं, जैसे हम नहीं देख सकते, लाइक एयर और बैक्टीरिया. चिल्ड्रन, क्या आप एयर को देख सकते हैं? नो, वी कांट सी एयर, वी ओनली फील इट. हम एयर को फील कर सकते हैं, हम इसे नहीं देख सकते, राइट? द पिक्चर गिवन बिलो शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल मैटर. इस पिक्चर में कुछ विजिबल मैटर दिए गए हैं और कुछ इनविजिबल मैटर दिए गए हैं. यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इस पिक्चर को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इनके आंसर्स देने हैं. सी द पिक्चर, ट्रीज ह्यूमन बीइंग्स, बेंच ग्रास, वाटर फ्लावर्स, ये सभी क्या है चिल्ड्रन? विजिबल मैटर, जिसे हम देख सकते हैं, राइट? बलून भी एक विजिबल मैटर है, लेकिन बैलून में जो एयर फिल की गई है, जिसकी वजह से बैलून फूला हुआ है, तो एयर इनविजिबल मैटर है, जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर में वेट भी होता है, राइट? नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज, डू यू थिंक ट्रीज इन द पार्क ऑक्यूपाई स्पेस? यहाँ आपको आंसर यस और नो में देना है. इस पिक्चर में, पार्क में दिए हुए ट्रीज, जो पिक्चर में ट्रीज हैं, क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? क्या ये जगह लेते हैं? इसका आंसर आपको यस और नो में देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम सम इनविजिबल मैटर इन द पिक्चर? इस पिक्चर में क्या आप कुछ इनविजिबल मैटर के नाम दे सकते हैं? या आप एनी टू नेम लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक इनविजिबल मैटर आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस? क्या इनविजिबल मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? जो मैटर आप नहीं देख सकते, क्या वो स्पेस लेते हैं? इसका आंसर भी आपको यस नो में देना है. फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू सी ऑल द थिंग्स फ्लोटिंग ऑन वाटर? क्या इस पिक्चर में आप सभी थिंग्स को, ऑल द थिंग्स, वाटर में आप फ्लोटिंग करते हुए देख सकते हैं? क्या सभी थिंग्स वाटर में तैरती हैं? आप आंसर यस नो में देंगे. क्लियर?
द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। चिल्ड्रन वॉल्यूम क्या है? स्पेस का अमाउंट जो कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है मैटर ने, उस अमाउंट को मैटर का वॉल्यूम कहा जाता है। ऑल मैटर्स हैव वॉल्यूम बिकॉज ऑल मैटर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस। सभी मैटर का वॉल्यूम होता है, क्यों? क्योंकि सभी मैटर्स ऑल मैटर्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। चाहे कुछ मैटर कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ मैटर अधिक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो इसका वॉल्यूम कहा जाता है। जो इस अमाउंट है स्पेस का, वो मैटर का वॉल्यूम कहलाता है। मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैटर वेरी टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं और इन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज। और ये साइज में इतने अधिक स्मॉल होते हैं कि नेक्ड आइज से इन्हें नहीं देखा जा सकता। डिफरेंट मैटर्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर डिफरेंट होते हैं चिल्ड्रन, और मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मैटर बनाते हैं। सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स एक मैटर में यूज होते हैं, एक मैटर को बनाते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मैटर्स बनाते हैं। द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जॉइन टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब एग्जांपल के लिए एक टेबल है और एक बुक है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, तो सेम काइंड होंगे। एक टेबल के मॉलिक्यूल्स सेम काइंड के होंगे, ऐसे ही एक बुक के मॉलिक्यूल्स भी सेम काइंड के होंगे, जो कि ज्वाइन होंगे एक मैटर की फॉर्म में। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। चिल्ड्रन मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। दो आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसकी थ्री स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेट अस अंडरस्टैंड दीज स्टेट्स वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज मैटर इन द सॉलिड स्टेट। अ सॉलिड हैज फिक्स्ड साइज एंड शेप। सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज इजीली। सॉलिड की साइज और शेप फिक्स होता है। एक सॉलिड का साइज और शेप फिक्स होता है, और सॉलिड अपने शेप और साइज को, इसके शेप और साइज को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसकी साइज और शेप को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। यू कैन सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, दे कांट मूव, और ये मूव नहीं हो सकते। सो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, दे आर हार्ड टू प्रेस। इसीलिए सॉलिड के वॉल्यूम और शेप फिक्स होते हैं, और इसे हम प्रेस भी नहीं कर सकते। इसे हम प्रेस करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, हार्ड है ये। क्या आप स्टोन को इजीली प्रेस कर सकते हैं? नो, इट इज़ टू हार्ड। टेबल की साइज और शेप को इजीली चेंज किया जा सकता है? इजीली हम इसे चेंज नहीं कर सकते, राइट? एंड ब्रिक्स, बुक, ये एग्जांपल्स हैं सॉलिड मैटर के। नेक्स्ट इज मैटर इन द लिक्विड स्टेट। मैटर जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन इसकी शेप कोई डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पॉड। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड की शेप
वही होती है जो एक कंटेनर की शेप होती है, जिस कंटेनर में इसको डाला जाता है, पोर किया जाता है, ये उसकी शेप ले लेता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर, वाटर इन अ ग्लास, वाटर लिक्विड फॉर्म में, मिल्क एंड ऑयल ये लिक्विड फॉर्म में है और इनके कंटेनर की शेप भी डिफरेंट है। तो जिस कंटेनर में इन लिक्विड को रखा गया है ये उसकी शेप में आप देख सकते हैं, राइट। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अबाउट, सो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं। चिल्ड्रन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो कि लूजली पैक्ड है और ये मूव करते हैं, इसीलिए लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती और इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे कैन फ्लो और पोर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, इन्हें फ्लूइड्स भी कहा जा सकता है, लिक्विड को फ्लूइड कहा जाता है और इन्हें ये पोर किए जा सकते हैं और ये फ्लो भी किए जा सकते हैं, क्लियर। नाउ मैटर इन द गैस स्टेट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैटर इन द गैस स्टेट, मैटर जो कि गैस स्टेट में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है एयर, एयर इज द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। एयर क्या है, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर का एक एग्जांपल। अ गैस हैज नो शेप और स्टेट ऑफ इट्स ओन, गैस का अपनी कोई शेप और साइज नहीं होता। गैस टेक्स द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड, जिस कंटेनर में इसको फिल किया जाता है, फुटबॉल है, टायर है, बलून है, जिस कंटेनर में इसको फिल किया जाता है गैस को, ये उसकी शेप ले लेती है। इट स्प्रेड्स आउट टू फिल एनी साइज, और इसको किसी भी साइज में हम फिल कर सकते हैं। ये जब से फिल किया जाता है तो ये अपने साइज को स्प्रेड कर देती है, ये फैल जाती है साइज के अकॉर्डिंगली। इन फैक्ट अ गैस फ्लोज मोर इजीली एंड रैपिडली देन अ लिक्विड, और गैस लिक्विड के कंपेयर में बहुत इजीली और रैपिडली बहुत तेजी से फ्लो होती है। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। चिल्ड्रन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। नाउ एग्जांपल्स आर बलून, एलपीजी सिलेंडर, टायर, फुटबॉल, ये एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें कि गैस फिल की जाती है और जिस कंटेनर में इसको फिल किया जाता है ये उसका शेप ले लेती है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है वाटर। मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर को इसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, हीट होने पर ये लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। यू माइट हैव सीन आइस चेंजेज इन टू वाटर, आपने देखा होगा आइस जो कि वाटर में चेंज हो जाता है। आइस क्या होता है, मेल्ट होकर वाटर में चेंज होता है। जब ये इसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में आइस को रखते हैं आप, तो ये चेंज होता है वाटर में, लिक्विड फॉर्म में। हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, जब हम किसी लिक्विड सॉलिड फॉर्म को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं एंड मूव अपार्ट, द चेंजेस सॉलिड इनटू लिक्विड, और इस तरह से सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड आल्सो चेंजेस इट्स स्टेट बाय हीटिंग और बाय फ्रीजिंग, लिक्विड भी अपने स्टेट को चेंज करता है जब इसे हीट किया जाता है या इसे फ्रीज किया जाता है। हीट करने पर क्या होता है चिल्ड्रन, बाय हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जब लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये गैस में चेंज होता है। यू कैन सी दिस वाइल बॉइलिंग द वाटर, जब वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में। द वाटर
चेंजेस इंटू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और जब वाटर बॉयल होने पर वाटर वेपर में चेंज होता है, भाप में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। और इस तरह से लिक्विड चेंज हो जाता है गैस फॉर्म में। चिल्ड्रन, बाय फ्रीजिंग लिक्विड चेंजेज इंटू सॉलिड। जब लिक्विड को फ्रीज किया जाता है, जब से हम कूल डाउन करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो ये चेंज होता है सॉलिड फॉर्म में। द मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर ड्यूरिंग फ्रीजिंग। जब लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं क्लोजर फ्रीज होने पर, और इस तरह से ये आइस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज होता है। आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये मेल्ट हो जाता है, तो ये वाटर फॉर्म में आ जाता है, राइट। और फ्रीज होने पर वापस ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो इस तरह से सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड चेंज होता है सॉलिड फॉर्म में। एंड लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं, तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है गैस फॉर्म में, और कूलिंग होने पर वापस ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस स्टेट ऑफ वाटर, चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर। Thus we see that one form of matter can be changed into another by heating or cooling। Children, इस तरह से आप देख सकते हैं कि matter को एक state से दूसरे state में change किया जा सकता है by heating or by cooling। In other words, states of matter are interchangeable। Mixing of two states of matter together also makes new matter। जब मैटर की दो स्टेट को मिक्स किया जाता है आपस में, तो एक नया मैटर बन जाता है। सम सॉलिड्स लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सॉलिड के, शुगर एंड सॉल्ट दोनों सॉलिड हैं, जब इन्हें हम वाटर में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और ये द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉलिड वाटर में डिजॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या, चिल्ड्रन, शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूट, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड द लिक्विड इन विच सॉलिड गेट्स डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिस लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व किया जाता है, जिस लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट है वाटर, जिसमें कि सॉलिड शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, एंड शुगर एंड सॉल्ट हैं सॉल्यूट। द डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म द सॉल्यूशन। तो सॉलिड के जो हमने डिजॉल्व किया है वाटर में, इसकी लिक्विड फॉर्म को कहा जाता है सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट एड सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर, जब हम वाटर में शुगर को पुट करते हैं, डालते हैं, इस मॉलिक्यूल स्प्रेड थ्रू द वाटर, तो वाटर में इसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, पूरे पानी में मिक्स हो जाते हैं। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये शुगर के सॉलिड के मॉलिक्यूल्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस खाली होता है, उस स्पेस को ये लेते हैं। दिस इज वाई शुगर सीम्स टू डिसअपियर व्हेन इट इज पुट इन वाटर। इसीलिए वाटर में जब शुगर को डाला जाता है, तो ये डिसअपियर हो जाती है, ऐसा लगता है कि शुगर डिसअपियर हो गई है। इफ वी कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। तो चिल्ड्रन, अगर हम कंपेयर करते हैं सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाता है इसमें सॉलिड डालने के बाद? नो,
इसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसा ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम था वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इट मीन्स शुगर ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का वॉल्यूम एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। इसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस खाली है, एम्प्टी स्पेस है, उसमें फिलअप हो जाता है। गैसेस आल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन वाटर। दीज डिजॉल्व गैसेज आर यूज बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। गैसेस भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स वाटर में डिजॉल्व गैसेस का यूज करते हैं। राइट चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट मैटर, स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड क्विक असाइनमेंट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।